तो हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज के शो में हम बात करने वाले हैं कि गाइस, जब आप अपने फ़ोन पे से पैसा अपने किसी दूसरे फ्रेंड के पास भेजते हैं तो गाइस आपका जो पेमेंट है फेल्ड हो जा रहा है। तो गाइस, अगर आपका भी पेमेंट फेल्ड हो जा रहा है तो गाइस आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो गाइस आज के शो में आपको इस प्रॉब्लम का हम 3 सोल्यूशन बताने वाले हैं। तो गाइस इस सोल्यूशन को आप तो गाइस इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए नए वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, तो सिंपली गाइस सबसे पहले आपको यहाँ से बैक आना है। तो बैक आने के बाद में गाइस आपको अपने फ़ोन पे को ओपन कर लेना है। तो गाइस जैसे आप अपने फ़ोन पे को ओपन कर लेंगे तो गाइस आपका जो फ़ोन पे है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद में गाइस आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा हिस्ट्री का, तो सिंपली गाइस आपको हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में गाइस आपको पे हिस्ट्री के साइड में आपको पे एक ऑप्शन मिलेगा माई मनी का, तो सिंपली गाइस आपको यहाँ पे माई मनी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइस जैसे आप ऐसे माय मनी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे उसके बाद में गाइस आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट्स का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली गाइस आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो गाइस जैसे आप ऐसे बैंक अकाउंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे उसके बाद में गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके फ़ोन पे से आपका जो बैंक अकाउंट लिंक है या ऐड है उसको आपको ऐसे डिलीट करना है। तो सिंपली गाइस आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में गाइस आपको यहाँ पे अनलिंक बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली गाइस आपको यहाँ पे अनलिंक पे क्लिक करना है। तो गाइस जैसे आप ऐसे अनलिंक बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देंगे तो गाइस आपके फ़ोन पे से आपका जो बैंक अकाउंट है डिलीट हो जाएगा। उसके बाद में गाइस आपको बैक आना है, तो बैक आने के बाद में गाइस आपको अपने फ़ोन पे क्लिक करना है। फ़ोन पे क्लिक करने के बाद में गाइस आपको वहाँ पे ऐप इन्फॉर्मेशन में जाना है। ऐप इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद में गाइस आपको यहाँ से क्या करना है, अपने फ़ोन पे का जो डाटा है यहाँ से क्लियर कर देना है। तो गाइस आपके अपने फ़ोन पे तो गाइस आपको अपने फ़ोन पे का जितना भी डाटा है आपको यहाँ पे क्लियर डाटा पे क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस आपको यहाँ पे क्लियर ऑल डाटा पे क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो गाइस जैसे आप ऐसे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो गाइस आपके फ़ोन पे से जितना भी डाटा है यहाँ से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद में गाइस आपको सिर्फ बैक आना है, तो बैक आने के बाद में गाइस आपको फिर से अपने फ़ोन पे को ओपन करना है। फ़ोन पे को ओपन करने के बाद में गाइस आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो गाइस आपको यहाँ से अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में गाइस आपको यहाँ से अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद में गाइस आपको यहाँ पे लॉग इन विथ ओटीपी पे क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस आप डायरेक्टली फ़ोन पे में लॉग इन हो जाएंगे। तो गाइस जैसे आप यहाँ से फ़ोन पे में लॉग इन हो जाएंगे उसके बाद में गाइस आपका फ़ोन पे यहाँ से पूरे तरह से ओपन हो जाएगा। उसके बाद में गाइस आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में गाइस आपको यहाँ पे सर्च कर देना आपका जो भी बैंक था, आपको यहाँ से अपने बैंक का नाम आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। तो जैसे आप ऐसे अपने बैंक का नाम ऐसे सर्च कर देंगे उसके बाद में गाइस आपको ऐसे अपने बैंक को आपको अपने फ़ोन पे से ऐड कर लेना है। तो गाइस जब आपका फ़ोन पे से आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा उसके बाद में गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे टू कॉन्टैक्ट पे आना है। टू कॉन्टैक्ट पे आने के बाद में गाइस आपको अपने किसी फ्रेंड के पास आपको ऐसे पैसा ट्रांसफ़र करना है। तो चलिए गाइस हम अपने किसी फ्रेंड के पास पैसा हम ऐसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो मान लीजिए गाइस हम अपने किसी फ्रेंड के पास यहाँ से पैसा हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं 1 रुपये, तो सिंपली गाइस हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेंड मनी पे क्लिक करेंगे। सेंड मनी पे क्लिक करने के बाद में गाइस हम ऐसे अपना यूपीआई पिन हम ऐसे डाल देंगे। तो गाइस जैसे हम ऐसे अपना यूपीआई पिन डाल देंगे तो देख सकते हैं गाइस मेरा जो ट्रांजेक्शन है सक्सेसफुली हो चुका है और मेरा जो पेमेंट है यहाँ पे फेल्ड नहीं हुआ है। तो गाइस इस तरीके से गाइस आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर गाइस आप यहाँ से भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो गाइस आपको पे क्या करना पड़ेगा, आपको आपसे बैक आना है। तो बैक आने के बाद में गाइस आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद में गाइस आपको यहाँ पे सर्च कर देना है फ़ोन पे। तो गाइस जैसे आप ऐसे फ़ोन पे सर्च कर देंगे उसके बाद में गाइस आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे अपने फ़ोन पे को ऐसे अपडेट कर लेना है। तो गाइस जैसे आप अपने फ़ोन पे को अपडेट कर लेंगे उसके बाद में गाइस आपको ऐसे पैसा ट्रांसफ़र करना है। तो गाइस ये तो मेरा तो दूसरा तरीका है। अब गाइस हम बात कर लें अपने तीसरे तरीका का। तो गाइस हम बात कर ले अपने तीसरे तरीके। तो गाइस हम आपसे बैक आएंगे। बैक आने के बाद में गाइस अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपने फ़ोन पे को यहाँ से अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने के बाद में गाइस आपको फिर से फ़ोन पे को आपको इंस्टॉल करना है। तो गाइस जैसे आप अपने फ़ोन पे को इंस्टॉल करेंगे, अपने बैंक अकाउंट को ऐड करेंगे उसके बाद में गाइस आप अपने फ्रेंड के पास पैसा भेजेंगे तो गाइस आपका जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व हो जाएगा और आपके फ्रेंड के पास पैसा चल जाएगा। तो गाइस इस तरीके से गाइस आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो आशा करते हैं कि दोस्तों आपको बड़े पसंद आई होगी। तो बड़े पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए नए वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।